सी वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप फुल स्क्रीन मोड पे चले जाएं। फुल स्क्रीन बटन जो कि इस यूट्यूब वीडियो के बॉटम राइट कॉर्नर पे होगा, उस पर क्लिक करिए और फुल स्क्रीन मोड पे चले जाएं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स 5 टाइप की होती हैं सी लैंग्वेज में। सबसे पहले होती है इफ एल्स स्टेटमेंट, उसके बाद होती है स्विच स्टेटमेंट, उसके बाद लूपिंग पे आ जाते हैं हम। 3 टाइप के लूप होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। इस लेक्चर में हम इफ एल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स पढ़ेंगे और इन दोनों पे हम एक प्रोग्राम भी बनाएंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप पे एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो अब इफ एल्स स्टेटमेंट की बात करते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स होता है इफ कंडीशन स्टेटमेंट 1 एल्स स्टेटमेंट 2। इसका मतलब यह है कि एक कोई कंडीशन होती है, जैसे कि हमने कंडीशन रख दिया 10 ग्रेटर देन 5, तो ये हमें पता है ये ट्रू है, 10 5 से बड़ा होता है, तो ये स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट 1 की जगह स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी। जैसे कि अगर हम यहाँ कंडीशन डाल दें 5 ग्रेटर देन 10, और हमें पता है ये कंडीशन फॉल्स है, ये 5 10 से छोटा होता है, तो हमारे स्टेटमेंट 1 की जगह हम else पार्ट पे आ जाएंगे, यानी कि स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी। तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं इफ एल्स का इन डेवलपर C++। तो सबसे पहले हम न्यू प्रोग्राम में हमने क्लिक कर चुके हैं, अब हम प्रोग्राम बनाते हैं, इंक्लूड हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं पहले, stdio.h इंक्लूड conio.h मेन फंक्शन। इस प्रोग्राम में हम दो नंबर को आपस में कंपेयर करेंगे यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट, और जो सा नंबर बड़ा होगा उसको हम डिस्प्ले करेंगे। तो हमें दो नंबर के लिए दो वेरिएबल्स चाहिए, और दो इंटीजर वेरिएबल ले रहे हैं हम, इंट ए बी सेमीकॉलन। दोस्तों, अभी तक हमने सिर्फ आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करना सीखा है, पर इस प्रोग्राम में हम यूज़र से भी इनपुट लेंगे। तो यूज़र से इनपुट कैसे लेंगे उसको हम इस प्रोग्राम में आपको बताते हैं। सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे एंटर टू नंबर्स, ताकि यूज़र दो नंबर एंटर कर सके। एंटर टू नंबर्स, ये मैसेज यूज़र के पास जाएगा आउटपुट स्क्रीन पे। तो यूज़र इस मैसेज को पढ़ने के बाद एंटर करेगा दो नंबर ए और बी। तो उसके लिए सिंटैक्स होता है स्कैन एफ, और दो नंबर हैं और दो इंटीजर हैं, तो दो परसेंटेज डी आएंगे कोट्स के अंदर, परसेंटेज डी कोट्स क्लोज। दोस्तों, इसमें हम वेरिएबल नेम के साथ एम्पल सेंट साइन भी लगाते हैं, तो हमें एम्पल सेंट ए एम्पल सेंट बी लिखना होगा। हम अगर प्रिंट करना होता हमें, तो हमें सिर्फ परसेंटेज डी लिखना होता है और वेरिएबल का नाम, जो कि इस केस में ए और बी है, लेकिन इनपुट करने के लिए हमें साथ में वेरिएबल के एम्पल सेंट साइन भी लगाना होगा। तो इस ये होता है सिंटैक्स इनपुट के लिए। तो हमने दो इंटीजर इनपुट करा लिए, अब हमें ये चेक करना है कि कौन सा बड़ा है इनमें से। तो उसके लिए हम इफ स्टेटमेंट लगाते हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि पहला नंबर जो यूज़र ने एंटर किया है वो बी से बड़ा है। तो हम क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ न्यू लाइन के लिए, ताकि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, और ये सेमीकोलन, एल्स प्रिंट एफ न्यू लाइन सेकंड नंबर इज ग्रेटर। अगर ए बी से बड़ा है, यानी कि जो यूज़र ने पहला नंबर इनपुट किया है वो दूसरे से बड़ा है, तो ये प्रिंट करेगा फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, यानी कि ए बी से बड़ा नहीं है, तो हम एल्स स्टेटमेंट पे आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि सेकेंड नंबर इज ग्रेटर, दूसरा नंबर पहले नंबर से बड़ा है। तो अब गेट सी एच लगा दीजिए ताकि आउटपुट विंडो क्लोज ना हो। ये हमारा प्रोग्राम तैयार है, अब हमें कंपाइल करना है प्रोग्राम को। कंट्रोल एफ़ 9,
कोई भी नाम दे दीजिए, इफ एल्स मैं नाम दे रहा हूँ, और सेव कर दीजिए, ज़ीरो एरर्स। अब हम रन करते हैं कंट्रोल F10, एंटर टू नंबर्स, मैं डालूँगा 10 और 5, 10 और 5। अब जैसे मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो ये हमें डिस्प्ले करेगा कि फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर देन सेकेंड नंबर। दे जुगो फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर, क्योंकि 10 5 से बड़ा है। तो दोबारा रन करता हूँ मैं प्रोग्राम कंट्रोल F10, इसमें मैं 5 और 10 डालता हूँ, 5 और 10, सेकेंड नंबर इज़ ग्रेटर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इफ एल्स स्टेटमेंट का जो यूज़ है सी लैंग्वेज में वो समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं स्विच पे। स्विच केस क्या करता है, इसको हम स्विच स्टेटमेंट भी बोलते हैं और स्विच केस भी बोलते हैं। ये बेसिकली हमारा एक आउटपुट प्रिंट करता है बेस्ड ऑन यूज़र इनपुट, मतलब यूज़र जो इनपुट करेगा उसी हिसाब से आउटपुट प्रिंट करेगा। तो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं डेवलपर C++ में जो आपको स्विच केस का यूज़ प्रैक्टिकली करके दिखाएगा। तो पहले हेडर फाइल इंक्लूड कीजिए, इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h मेन फंक्शन, प्रिंट पहले एक इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं हम इंट ए। बेसिकली हम यूज़र से वैल्यू इनपुट कराएंगे और उसी हिसाब से आउटपुट प्रिंट कराएंगे। प्रिंट एफ प्रेस 1 और 2, ये यूज़र के आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होगा, प्रेस 1 और 2। तो अब यूज़र को प्रेस करना पड़ेगा 1 या 2। तो यूज़र इनपुट करेगा स्कैन एफ के थ्रू %d एम्पलसेंट ए। तो अब यूज़र ने इनपुट कर दिया है नंबर, कोई भी नंबर या कुछ भी इनपुट कर दिया है, तो उस केस में हमें आउटपुट प्रिंट करना पड़ेगा यूज़र के इनपुट के हिसाब से। तो हम स्विच केस लगाते हैं। स्विच इसका सिंटैक्स ऐसे होता है, स्विच और जो यूज़र ने इनपुट किया है, इसमें यूज़र ने इनपुट क्या किया है, ए इनपुट किया है, स्विच ए, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, केस 1। अगर यूज़र ने 1 इनपुट किया है तो क्या होना चाहिए उस केस में, प्रिंट एफ न्यू लाइन में यू हैव एंटर्ड 1। मतलब अगर यूज़र एंटर 1 प्रेस करता है, मतलब स्कैन एफ जो ये सिंटैक्स देख रहे हैं, इससे यूज़र 1 इनपुट देता है तो ये प्रिंट होगा यू हैव एंटर्ड 1, क्योंकि हमने यहाँ केस के आगे 1 लिखा है। और उसके बाद ब्रेक, ताकि ये स्विच केस जो है, स्विच स्टेटमेंट जो है बंद हो जाए, क्योंकि इसका अब कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि यूज़र ने 1 इनपुट कर दिया है तो उसको कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट मिल गया है यू हैव एंटर्ड 1। केस 2, मतलब अगर यूज़र 2 एंटर करता है तो प्रिंट एफ न्यू लाइन यू हैव एंटर्ड 2 और ब्रेक। लेकिन अगर यूज़र 1 और 2 के अलावा भी कुछ प्रेस कर देता है, जैसे कि 6 इनपुट कर देता है, 7 इनपुट कर देता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमें एक डिफ़ॉल्ट केस लगाना पड़ेगा। हर स्विच स्टेटमेंट के साथ हमें एक डिफ़ॉल्ट केस मिलता है, जिससे अगर यूज़र जो गिवन हमने सिंटैक्स दिया है उसी हिसाब से इनपुट नहीं करता तो क्या होना चाहिए। तो इसमें डिफ़ॉल्ट हम लिख देंगे प्रिंट एफ यू हैव एंटर्ड रॉन्ग नंबर, या सिंपली हम लिख सकते हैं रॉन्ग इनपुट, और इसको क्लोज कर दीजिए स्विच केस को। और उसके बाद गेट CH सो दैट आउटपुट विंडो डज नॉट क्लोज। अब एक बार मैं आपको फिर प्रोग्राम समझा देता हूँ। हमने एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे। अब हम यूज़र को प्रॉम्प्ट कर रहे हैं कोई भी एक नंबर इनपुट करने के लिए 1 या 2 में से, प्रेस 1 और 2।
यूज़र अपना इनपुट देता है, क्या देता है हमें नहीं पता, जो भी इनपुट देता है वो इस स्विच स्टेटमेंट में आ जाता है और हमने केसेस लगा दिए। केस वन यानी कि अगर यूज़र वन प्रेस करेगा तो ये प्रिंट करना है हमने यू हैव एंटर्ड वन, अगर यूज़र टू प्रिंट टू एंटर करता है तो ये प्रिंट करना है यू हैव एंटर्ड टू। लेकिन अगर यूज़र कुछ भी प्रिंट कर देता है तो इस केस में हम कुछ भी एंटर कर देता है तो उस केस में हम डिफ़ॉल्ट केस पे चले जाएंगे जो कि अपने आप डिस्प्ले करेगा रॉन्ग इनपुट। तो मैं कंपाइल करता हूँ प्रोग्राम, कंट्रोल एफ नाइन, ज़ीरो एरर्स। अब कंट्रोल एफ टेन से रन करता हूँ इसे, प्रेस वन और टू, तो मैं वन प्रेस कर रहा हूँ, यू हैव एंटर्ड वन। अब मैं दोबारा रन करता हूँ इसे, अब मैं टू प्रेस कर रहा हूँ, यू हैव एंटर्ड टू। अब कंट्रोल एफ टेन, अब मैं वन और टू की जगह कुछ भी एंटर करता हूँ, से एट एंटर कर रहा हूँ तो ये डिफ़ॉल्ट केस पे चला जाएगा रॉन्ग इनपुट। आप देख सकते हैं रॉन्ग इनपुट अपनी स्क्रीन पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस लेक्चर में हमने इफ एल्स का यूज़ और स्विच स्टेटमेंट का यूज़ किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप करेंगे। आप मेरा ये वीडियो हाई डेफिनेशन में मेरी वेबसाइट sites.google.com/site/PL lectures यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर।